हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्केट स्टाइल आलू टिक्की बनाने की रेसिपी। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं, इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। और हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच इसमें हमने राइस फ्लावर डाला है। राइस फ्लावर डालने से हमारी जो टिक्की है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती है। सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटी चम्मच। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चौपी हुई इसमें हम प्याज डाल देंगे, 1 चौपकी हुई हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, 1 चम्मच चना दाल को मैंने भिगो के रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, पानी मैंने निकाल दिया है और दाल को हम इसमें डाल देंगे। दाल इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये इससे ही बहुत अच्छे से जो है बाइंड हो जाएगा। आलू जो है हमारे बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए, इसमें कोई भी बड़ा चंक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है टिक्की बनाते वक्त प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखिए हमने इसे बिना पानी के ही बहुत अच्छे से जो है गूंद लिया है। अगर आपका मिक्सचर चिपचिपा लगे तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का इसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी हम बस इसे इकट्ठा कर देंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए मीठी वाली दही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश कर ली है 2 कप, इसे हमने अच्छे से विस्क कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा हम इसे कर लेंगे। इसमें हमने वाटर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। दही को हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे 2 चम्मच के करीब, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें वाइट सॉल्ट डाल देंगे। इससे जो है टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा खट्टा मीठा दही रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर में से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, ये तकरीबन जो परांठा के हम पेड़ा लेते हैं उतना साइज में लिया है। तो इसे हमने अच्छे से फ्लैट कर लेना है। तो इसे हम अच्छे से टिक्की वाली शेप दे देंगे, बिल्कुल राउंड सी। तो इसे हम हाथों से दबाकर अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। हमारी जो टिक्की में जो है बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो टिक्की है वो फ्राई करते वक्त जो है ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी। तो ये देखिए हमने ये इस टिक्की को तैयार कर लिया है, ऐसे ही बाकी की सभी भी टिक्कियाँ भी हम जल्दी से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी आप आलू उबालें, उबालने के बाद उसे 30 से 35 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से जो है एक्सेसिव वाटर उसमें से अब्सॉर्ब हो जाता है और हमारा जो मिक्सचर है वो ड्राई रहता है। तो ये देखिए बाकी सभी टिक्कियाँ मैंने जल्दी से बनाकर रेडी कर ली हैं। तो ये फ्राई करने के लिए अभी तैयार हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल लिया है 3 से 4 चम्मच और इसे हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी हम इसमें धीरे धीरे करके टिक्की प्लेस कर देंगे। एक बार में जितनी टिक्की आती है आप उतनी ही डालें। अगर आपको टिक्की कुरकुरी बनानी है तो गैस का फ्लेम लो रखें और इसे अच्छे से फ्राई होने दें। धीरे धीरे जितनी ये फ्राई होगी उतनी ये बढ़िया से पकेगी और कुरकुरी बनेगी। तो इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ही पलटेंगे। तो ऐसे ही हमने इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेना है, जब तक इसमें जो है अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इन टिक्कियों को हम पलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो टिक्की की साइड चेंज करते आप इसे बहुत ही केयरफुली इसे टर्न करें। तो आप देख सकते हो कि अभी इसमें हल्का हल्का कलर ही आया है। तो इसे हमने दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है, जब तक इसमें जो बहुत अच्छा नाइस कलर नहीं आ जाता। तो इसे हम दोबारा से पलट देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें जो है नाइस गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो टिक्कियों में बहुत ही अच्छा नाइस गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो इसे हम जल्दी से बाहर निकालेंगे, अदरवाइज़ जो है ये ओवर कुक हो जाएंगी।
बाकी के सभी टीके को भी हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टिकियाँ लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे खट्टा मीठा दही। तो तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने भरकर इसमें दही ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। यहाँ पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं इमली वाली चटनी की। थोड़ी सी हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे। आपको जो चटनी ज़्यादा पसंद है आप उसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़े से स्लाइस किए हुए अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को हमने थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखा था। थोड़े से हम इसमें अनार के दाने ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ धनिया से इसे गार्निश कर देंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी स्प्रिंकल कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो लीजिए, हमने आलू टिक्की को सर्व कर दिया है। आप टेस्ट करके बताइएगा कि आपको आलू टिक्की की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।